नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये हमारा एचयू है, अभी रनिंग पोजीशन पे है। इसको हमने ऑटो में चला रखा है। ये आप तीन किट देख रहे हैं, ईवी किट 1, 2 और 3। ये पहला और दूसरा जो ये दोनों है ना, इसको हमने एक आउटडोर से कनेक्ट कर रखा, मतलब सिंगल सर्किट से। वो सर्किट है 16 HP का एक, 14 HP का एक, 12 HP का एक, कॉमन एक सिंगल सर्किट है, मतलब तीन आउटडोर का एक सर्किट है। और ये जो है 20 HP का अलग सेपरेट सर्किट है। और एचयू के अंदर तीन कॉयल है हमारा, तीन कॉयल का तीन किट है। उसका ऊपर देख रहे हैं वायरिंग बॉक्स। और ये रनिंग पोजीशन पे है, ये चल रहा है, सुबह से हमने चला रखा है, ऑटो में चला रखा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसका आउटडोर दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सर्किट है, उसमें तीन आउटडोर है, 16 HP है, 14 HP है और ये 12 HP है। ये तीन एक सर्किट है। देखिए आप, ये तीनों आउटडोर हमारा चालू है, तीनों आउटडोर हमारा चालू है और एक ये सिंगल सर्किट है 20 HP का, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी हमारा चालू है। अभी फर्स्ट क्लास रनिंग चल रहा है, सुबह से कंटिन्यू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने ऑटो में चला के रखा। ये हमने ऑटो में चला रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो में कैसे चलाते हैं, रिमोट से कैसे ऑन करते हैं, उसकी वायरिंग पूरी मैं आपको बताता हूँ। ऑफ कर इसको, रिमोट से ऑफ कर। ये डाइकिन का है, मेड इन UAE है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने बंदे को भेजा है रिमोट से ऑफ करने के लिए। देखेंगे अभी आप, तो ये ऑफ हो जाएगा। अब देखेंगे ना, ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया, ये रेड लाइट जलने लगी ना, ऑफ हो गया। अभी हम वापस रिमोट से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी मैं इसकी वायरिंग आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनेगी, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ऑटो में कैसे चलाते हैं। इसको खोलना ज़रा पैनल को। तो ये हमारा एएचयू का पैनल है। हमने मेन पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जो मेन हमारा स्टार्टर पैनल से आया हुआ है, उसको हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। तीन के तीन सप्लाई है और एक ये न्यूट्रल है। और ये जो सप्लाई है, इसको हमने यहाँ से उठाकर अपने इस पैनल में दिया है, लाइन न्यूट्रल पे। आप देखेंगे ना, यहाँ पे लाइन है और न्यूट्रल है। इसको हमने आपस में मेन पैनल से उठाया, यहाँ पे डाला, यहाँ के बाद यहाँ पे डाला और यहाँ के बाद यहाँ पे डाला। तीनों में हमने पावर सप्लाई को लूप कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें ऑलरेडी फैक्ट्री से लग के आया हुआ था। ये ऑटो में चालू करने के लिए दिया जाता है। तो हमने ऑटो में चलाने के लिए पहले स्टार्टर पैनल से हमने पावर सप्लाई ऑन करी और इसको निकाला तो एचयू बंद हो गया, वापस लगाया तो एचयू चलने लगा। फिर हमने क्या किया, एक टू कोर का वायर यहाँ से उठाया और यहाँ से ये जो 12 नंबर आप 13 नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ से हमने उठाया और यहाँ के फैन पे डाला है, यहाँ के फैन पे C7 और C8। फिर यहीं से उठाया हमने, यहाँ के फैन पे डाला C7 C8। फिर यहाँ से हमने उठाया, यहाँ के फैन पे डाला C7 C8। और ये जो आप देख रहे हैं,
ये एक्सटेंशन वॉल का वायर है, ये हमने इस पैनल का इस एक्सपेंशन वॉल के साथ जोड़ दिया है, इसका इसके साथ जोड़ दिया है और इसका इसके साथ जोड़ दिया है। और वैसे आउटडोर का जो कम्युनिकेशन है वो तो आपको पता ही है, F1 F2 को हमने आपस में लूप कर दिया है, P1 P2 को हमने आपस में लूप कर दिया है और हम रिमोट से ऑन करते हैं तो ये हमारा ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। जा ऑन कर दे, रिमोट से ऑन करने के लिए मैंने अभी बंदे को भेजा है, वो ऑन करेगा। ऑन किया बोल, ऑन करने उसको ये ऑन हो गया, ऑन हो गया। अभी आप देख रहे हैं ये जलना बंद हो गया, ये ऑफ हो गया ये। और ये जो अपना सप्लाई फैन ऑन पावर ऑन जो देख रहे हैं ना, ये ऑन हो गया अभी। तो आपका क्लियर हो गया, जो लूप किया हुआ वायर होता है पैनल के अंदर, जो अभी मैंने दिखाया था 12 नंबर 13 नंबर, वो पैनल फैक्ट्री से लूप होकर आता है। आपको स्टार्टर पैनल से पहले पावर सप्लाई देना है इस पैनल को, और उस वायर को आप निकाल के देखेंगे, अगर HU ऑफ हो गया और फिर उसी वायर को आप उसी पोजीशन पे लगा के देखेंगे HU ऑन हो गया, तो समझ ले वही वायर जो है ना ऑटो का है, उसी को आपस में आपको लूप करना है फैन के C7 C8 पे, C7 C8 पे, बाकी ऑलमोस्ट आपको पता ही है रिमोट का, उसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल का वो तो पता ही है, कम्युनिकेशन का वो तो पता ही है। तो हमने फाइनली सारी चीज़ें आपको बता दी है, आप ऐसे करेंगे तो 100% ये ऑन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटडोर पे जाकर, अभी मैंने रिमोट से ऑन किया है, आउटडोर पे जाके दिखाता हूँ ऑन होता है कि नहीं। देखिए ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया है, ये भी ऑन हो गया है और ये भी ऑन हो गया है। तो ऑटो में अपने को ऐसे ही चार्ज टेस्ट करना है, ऑटो में अपने को ऐसे ही चलाना है, तभी आपका 100% HU चल जाएगा। थैंक यू।